तो पहले ना अपन 10th के रिजल्ट से शुरू करते हैं। तो 10th में ना मेरे को ओवरऑल परसेंटेज जो था ना दैट वाज 2। तो मेरे को पता नहीं मैंने ये क्यों किया, लेकिन ये करने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और कभी कभी ना जिंदगी में ऐसी ऊट पटांग सी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि तभी फील आता है। सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम चू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला जो मेरा टी शर्ट है ना ब्लैक जॉकी का, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टी शर्ट्स, क्योंकि जब कभी मैं पहनता हूँ ना मैं हर बार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। एंड अगर ऐसे मेरे पास 10-12 टी शर्ट हो जाए, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे ब्लॉग सिर्फ ब्लैक टी शर्ट और ये शॉर्ट्स में होने वाला है, पक्का वाला। तो अभी एकदम ताज़ा न्यूज़ आई है कि YouTube ने वन सेकेंड 1080p अपने फोन्स के अंदर डाल दिया है। तो अभी मेरा जो भी वीडियो देखोगे ना प्लीज़ फुल HD पे देखो, वरना फीलिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी। तो अभी ये वाला वीडियो भी ना फटाफट पहले 1080p पे करो अभी का भी करो। तो मेरे वीडियोस फुल HD में देखने के ना आप लोगों को तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, कि जो भी सिनेमैटिक्स वगैरह मैं लूँगा तो आप फुल HD में देख पाओगे ना, आपको फीलिंग आएगा कि भाई मैं भी वहीं पर हूँ। लेकिन मेरे लिए पता है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, कि अभी से ना मेरे पिंपल्स भी साला फुल HD में दिखेंगे। तो क्यों? तो अभी सिंस YouTube के ऊपर वापस से HD क्वालिटी आ चुका है, तो मेरे को ये नहीं चाहिए कि यू नो मेरे पिंपल्स और एक्ने वगैरह जो है वो भी एकदम हाईलाइट होकर HD में दिखे। तो इसके लिए ना अब से, दैट इज आज से, मैं ना ये प्रॉपर स्किन केयर रूटीन चालू कर रहा हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले मैं स्टीम लेने वाला हूँ। उसके बाद मेरा जो बॉम्बे शेविंग कंपनी का जो किट है उसमें से एक एक करके मैं प्रोडक्ट्स यूज करूंगा। सबसे पहले फेस वॉश, फिर स्क्रब करूंगा, एंड उसके बाद जो मेरा फेस मास्क है उसको यूज करूंगा, एंड लास्ट में आइस से जितना भी मेरा फेस है उसको क्लियर करूंगा। एंड देन लेट्स सी एक दो महीने के बाद क्या मतलब चेंज आता है कि नहीं, अच्छा वाला। तो अभी मेरा स्टीम लेके हो गया, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू यूज इज द चारकोल फेस वॉश, एंड इसके बाद आई एम गोइंग टू यूज द चारकोल फेस स्क्रब, और एंड में आई एम गोइंग टू यूज द चारकोल फेस मास्क। तो देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है और कैसा आता है। तो ये सब यूज़ करने के बाद ना मेरा फेस जेन्युइनली बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है, और अगर हफ्ते में एक दो बार मैं ये यूज़ करना शुरू कर दूँ ना फॉर द नेक्स्ट 1-1.5 मंथ, तो मेरा एक्ने वगैरह ना ये तो लास्ट 3 दिनों से ना मुंबई में कंटिन्यू बारिश आ रही है। ऐसा भी नहीं कि यू नो एक दो घंटा रुक जाए, कंटिन्यू सुबह से शाम तक आ रही है। एंड इसके चक्कर में ना मैं सीपेस जा पा रहा हूँ, ना मैं कहीं पे कुछ काम के लिए जा पा रहा हूँ। लकीली अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई खुल रहा है, होपफुली आज बारिश ना हो और आज अपन जा पाए सीपेस। तो अभी धीरे धीरे जितने भी होर्डिंग्स थे ना यहाँ पे, तो कोरोना का हटा के अभी नॉर्मल एड्स डालना शुरू कर दिया। तो जब कोरोना कम था तब यहाँ पे कोरोना का लगा हुआ था, अब जब बढ़ गया है एंड इट इज़ ऑन इट्स पीक, तब होर्डिंग्स चेंज हो गए और एड्स वगैरह शुरू हो गया है। तो वेरी गुड। जिंदगी में दुविधा देखो, एकदम डार्क हो चुका है, थोड़ी देर पहले बहुत जोर से बारिश आई लेकिन अभी बारिश नहीं आ रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा शुड आई गो टू सीफेस और नॉट। तो अभी मान लो मैं सीफेस जाता हूँ और बहुत जोर से बारिश आती है, क्योंकि वहाँ पे पीछे है ना क्लाउड्स पूरे डार्क हो चुके हैं, तो मैं अटक जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि सीफेस पे कोई शेड वगैरह है नहीं कि यू नो आई कैन स्टे देयर, मेरे को भागते भागते आना पड़ेगा। और फिर बुखार वगैरह कुछ आया तो भाई अलग लेवल का सीन हो जाएगा। और अगर अभी मैं नहीं जाता हूँ और बारिश नहीं आई तो मेरे को पूरा दिन रिग्रेट होगा। तो ऐसी दुविधा में आप क्या करोगे मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ। ये पिछले 3 दिन से रोज़ हो रहा है मेरे साथ, जिस दिन मैं सोचता हूँ कि छोड़ जाने दे नहीं जाता उस दिन बारिश नहीं आता, और जिस दिन मैं सोचता हूँ कि आज तो 100% जाऊँगा बहुत ज़ोर से बारिश आती है। तो क्यों? एंड जब लाइफ में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होना, जय माता दी बोल के सीधा निकलो, जो होएगा देखा जाएगा, इतना लोड लेके फ़ायदा नहीं है। तो भाई अपना रनिंग वगैरह सब कुछ हो गया एंड बारिश भी पूरी तरीके से बंद हो गई, थोड़ी बहुत धूप भी आ रही है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे बैठा व्हाट आई सी इज़ दिस, वो कचरा नहीं, ये देखो
मेरा सोल निकल गया शू का। तो इन जूतों को अब मेरे को अलविदा बोलना ही पड़ेगा क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ। ये नाइकी के शूज़ है, 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी कुछ नया खरीदना पड़ेगा। तो पहले ना मैं एक पॉडकास्ट शूट करने वाला था इस चैनल के लिए, वो भी आज, लेकिन कल रात को है ना मैंने एक मस्त माइक देखा अमेजोन के ऊपर स्पेशली फॉर पॉडकास्ट, और मेरे बजट में भी बैठ रहा था, तो इसके लिए आई हैव ऑर्डर्ड दैट। और वो जब आएगा ना तो मैंने सोचा उसके आने के बाद ही ना अपन एक प्रॉपर वाला पॉडकास्ट शूट करें, क्योंकि उसका आवाज़ का जो क्वालिटी है वो बहुत चुंबक क्वालिटी, और जो टॉपिक है वो आपको पता चल जाएगा। तो मेन रीजन ऑफ मेकिंग दिस व्लॉग इज फॉर दोज पीपल जिनका अभी अभी रिजल्ट आया, बी ए 10th स्टैंडर्ड और बी ए 12th स्टैंडर्ड। तो इस बैग के अंदर है ना मेरे 10th और 12th के रिजल्ट है, एंड लेट्स जस्ट टॉक कि ये 10th और 12th का रिजल्ट मेरी लाइफ पे कितना ज़्यादा अफेक्ट किया। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट के साथ। तो एक मिनट, आई वॉज बेसिकली फ्रॉम ICSE बोर्ड, और मेरे को 10th में मिले थे टोटल 89% इफ़ यू टेक द टॉप 5 वाला सिस्टम। उसके अंदर यू नो मेरे को मैथ्स में 92 मिला था जिसमें मैं सबसे ज़्यादा वीक था, फिर मेरे को कमर्शियल एप्लीकेशंस में 94 मिला था जिसमें मैं एक्चुअली मतलब ठीक ठाक था, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड मुझे साइंस में 83 मिला था। तो इसके जब मेरे को 89 आया ना, तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी कि भाई 89 आ गया, अब तो मतलब लाइफ सॉर्टेड, अपने को जो कॉलेज चाहिए वो मिलेगी। लेकिन फिर जब कट ऑफ निकले ना, दैट टाइम व्हाट आई रियलाइज कि मेरे को जो ड्रीम, मेरा जो ड्रीम कॉलेज था दैट वाज HR कॉलेज, उसमें 95 कट ऑफ था और मेरा 89 था, तो दूर दूर तक चांसेस ही नहीं था। फिर भी जैसे जैसे स्ट्रगल कर करके आई गॉट इनटू KC कॉलेज, एंड आई वाज लाइक प्रीटी हैप्पी कि चलो ठीक है यार हो गया अभी जो भी था। जैसे ही 3 महीने निकल गए, ठीक है, रिजल्ट के 3 महीने बाद जब कॉलेज वगैरह सब शुरू हो गया था, ट्रस्ट मी ये जो मार्कशीट थी ना ये मेरे इस बैग के अंदर चली गई, और ये सीधा 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के टाइम निकली थी, जब यू नो द ऑल सब जेरोक्स वगैरह उनको देना होता है कॉलेज में, वो टाइम पे मैंने निकाला था। तो डू यू अंडरस्टैंड कि जो 10th स्टैंडर्ड का मेरा रिजल्ट था, डिड इट एक्चुअली मैटर टू मी इवन इफ आई गॉट 89%, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा मार्क्स है, डिड इट मैटर इन माई कॉलेज लाइफ? नो। सिर्फ एक एडवांटेज हुआ कि मेरे को अच्छी कॉलेज मिल गई, उसके अलावा मुझे कोई एडवांटेज नहीं हुआ। तो ये तो बात हो गई 10th स्टैंडर्ड की, अब बात करते हैं अबाउट 12th स्टैंडर्ड। तो 12th स्टैंडर्ड में मैंने ऑब्वियसली HSCC दिया था अपना मुंबई यूनिवर्सिटी से, एंड आई गॉट अ टोटल ऑफ 85.6%, ठीक है, जिसमें मेरे को इकोनॉमिक्स में 90 मार्क्स मिला था आउट ऑफ 100, एंड इकोनॉमिक्स हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत रट्टा मारना होता है, उसमें मुझे 90 मिले। और आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे को जो मैंने पढ़ा था ना 12th में इकोनॉमिक्स, मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, लिटरली कुछ भी याद नहीं है। एंड ये जो 85% है ना, ये जब मेरे को आए थे 12th में, वापस से मेरे को दिमाग में ये आया था कि भाई अब तो पक्का वाला है ना, एकदम टॉप कॉलेज में BMM मिलेगा एंड लाइफ अपनी सॉर्टेड हो जाएगी। बट वंस अगेन जब कट ऑफ आया तो मेरे तो ऐसे होश ही उड़ गए, बिकॉज 90-92 कट ऑफ था BMM का, तो मुझे वो वापस नहीं मिला। एंड अगेन द सेम थिंग हैपेंड, 3 महीने तक खाली वो हवा बना था कि भाई मार्क्स आए, ये आया वो आया, उसके बाद वापस से कहते हैं ना चला गया सब कुछ, किसी को पता है, किसी को लेना देना ही नहीं था 12th में कितना आया क्या आया, एंड अगेन अ न्यू लाइफ स्टार्टेड। तो वॉट आई वॉन्ट टू टेल एवरीबडी जिनका अभी अभी मार्क्स आया है एंड दे आर नॉट सेटिस्फाइड, कि इट्स ओके। देखो यार, ये जो मार्क्स है ना, ये सिर्फ आपको अगले 3 या 2 महीने के लिए ही मैटर करेगा, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलती, उसके बाद ट्रस्ट मी दीज मार्क्स आर नॉट गोइंग टू मैटर टू यू एट ऑल। आपको 95 आया, आपको 97 आया, आपको 50 आया, आपको 40, आपको जितना भी आया ना, ट्रस्ट मी ये मैटर नहीं करेगा। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है, एज एन एल्डर ब्रदर मैं आप लोग को बोलूँगा कि मेरे लाइफ में ना जो भी मेरा ग्रोथ हुआ है इज़ बिकॉज ऑफ द स्किल्स दैट आई हैव लर्न्ड, ठीक है, ये मेरे मार्क्स हो गया, ये सब जो शो ऑफ होता है ना, ये सिर्फ खाली दिखाने के लिए होता है, और थोड़ा बहुत ऐसा खुश हो जाते हैं लोग कि हाँ भाई मैं पास हो गया एंड एवरीथिंग, बट इन द लॉन्गर रन आई जस्ट टेल यू गाइज वन थिंग, के जो मैटर करेगा ना सबसे ज़्यादा वो ये है, आप खुद एक इंसान कैसे हो, आप खुद लोगों को कितनी रिस्पेक्ट करते हो, और आप खुद अपने स्किल्स पे कितना ज़्यादा मेहनत करना चाहते हो। तो ये सब जो है ना, दिस इज एक्चुअली जस्ट अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है, जो हो गया सो हो गया, जो मार्क्स आ गए खुश हो जाओ जितना भी आया है, एंड जस्ट मूव ऑन इन लाइफ, और सोचो कि हम आगे लाइफ में अच्छा कैसे करोगे। तो प्लीज़ यार, कभी भी है ना डीमोटिवेट मत होना बिकॉज ऑफ योर मार्क्स, क्योंकि ये एंड नहीं है, ये तो सिर्फ शुरुआत है आपकी रियल लाइफ की, क्योंकि ये तो है ना खाली बुक्स वगैरह का था, जो आपने बुक्स में जो टेंशन देखा है कि पढ़ाई में क्या होता है, अब आपकी लाइफ का ना रियल प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होएगा, जो आपको लाइफ जो चाटे मारने वाली है ना, बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि ये तो कुछ नहीं था, ये तो सिर्फ मुझे भी लगता था कि भाई ये बहुत मार्क्स अच्छे आ गए, मतलब बहुत कुछ मैंने अचीव कर लिया, बट ट्रस्ट मी कुछ नहीं था वो। उसके बाद मेरी लाइफ एक्चुअली शुरू हुई जब मैंने यूट्यूब चालू किया, जब मैंने थिएटर करना चालू किया, तब मुझे पता चला कि यू नो व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज यू एज अ पर्सन, कि तुम कौन हो एक इंसान के तौर पे, तुम कैसे हो।
तो लास्ट में ना सिर्फ एक ही लाइन कहना चाहता हूँ कि ना ही मेरे टेंथ के मार्क्स ने, ना ही मेरे ट्वेल्थ के मार्क्स ने, ना ही मेरे किसी भी स्टैंडर्ड के मार्क्स ने डिसाइड किया दैट आई विल बी अ फ्रीलांसर इन फ्यूचर, आई विल बी अ यूट्यूबर इन फ्यूचर, बट ये सब डिसाइड करने वाला मैं खुद था एज अ पर्सन। तो उसी तरीके से ना ये जो मार्क्स है ये आपका फ्यूचर भी डिसाइड नहीं करने वाला, इट विल बी यू जो इस फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो दिल पे हाथ रखो एंड ऑल इज वेल बोल के ना वापस जिंदगी में आगे बढ़ो। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड इफ यू डिड डू नॉट फॉरगेट टू नॉट द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब, आपको जो करना है आप कर सकते हो। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ, अमन जैन, शुक्रिया। Show me which